हमने अपने आशियाने के लिए जो सबसे अच्छे लगे वही दिल के लिए। बेहद दिलचस्प होता है पंछियों के आशियाने बनते हुए देखना। एक एक तिनका लाकर परिंदे अपने आशियाने बनाते हैं। किस तिनके को कहां लगाना है ये तय करते हैं। और बड़े करीने से अपने घोंसले को एक आकार प्रदान करते हैं। जितने रूप रंग और आवाजें होती हैं इन परिंदों की, उतनी ही प्रकार के इनके घोंसले भी हुआ करते हैं। बेमिसाल मेहनत और कारीगरी का नमूना होते हैं परिंदों के घोंसले। इन घोंसलों का निर्माण तभी होता है जब परिंदों का प्रजनन काल आता है। कोई आसमां की बुलंदियों पर अपना घर बनाते हैं और कुछ जमीन पर ही अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने चूजों की परवरिश के लिए। खुद तो वे पेड़ों पर ही रहा करते हैं और पेड़ों के ये बाशिंदे अपने चूजों की परवरिश बड़ा जी जान लगाकर करते हैं। वीडियो का अगला हिस्सा आपको आश्चर्य में डाल देगा। इस हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि पक्षी अपने घोंसले का हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, वो कैसे अपने घोंसले को स्वच्छ रखते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों की तरह पक्षियों के बच्चों का भी बस तीन ही काम रहता है, खाना, सोना और पचाना यानी पॉटी। अब ये सोचिए कि एक घोंसले में दो या तीन बच्चे रहते हैं और वो 10 से 15 दिन घोंसले में अपना समय गुजारते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो प्रतिदिन घोंसले में ही मल त्याग करेंगे तो घोंसले की क्या स्थिति होगी, और अगर नहीं तो वो मल जाता कहाँ है, क्या उसकी कोई प्रोसेस है। वीडियो के अगले हिस्से में हम यही देखेंगे। इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाता हूं। अंडे से निकलते ही पक्षियों के चूजे बेहद नाजुक और कोमल होते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और शरीर पर बाल तक नहीं होते। इस अवस्था से उनका आगे का विकास पूर्णतः पेरेंट्स द्वारा खिलाए जाने वाले भोजन पर निर्भर होता है। दिन भर में कई कई बार भोजन के फलस्वरूप ये चूजे प्रतिदिन बहुत तेजी से बड़े होने लगते हैं। बंद आंखें खुलने लगती हैं और पंख भी विकसित होने लगते हैं। 10 से 15 दिनों में ये इतने बड़े हो जाते हैं कि घोंसले में जगह कम पड़ने लगती है। सभी परिंदों के घोंसलों की यही प्रोसेस होती है। पक्षियों का जीवन कीट पतंगों यानी इंसेक्ट्स पर निर्भर होता है। ये इंडियन रॉबिन अपने चूजों के लिए जमीन से चींटियां इकट्ठी कर अपनी चोंच में भरता जा रहा है, और ये सारी चींटियां जिंदा है। पक्षी अपने बच्चों को ताजा और जिंदा आहार खिलाते हैं। जाहिर है कि इतनी तगड़ी खुराक के बाद वो पॉटी भी करेंगे, और ये होता है जब बच्चे पॉटी करते हैं।
हाँ, पेरेंट बर्ड्स द्वारा भोजन खिलाने के तुरंत बाद चूजे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, शरीर का पिछला हिस्सा पेरेंट्स की ओर करते हैं और बाकायदा पूंछ उठाकर मल त्याग करते हैं। चूजों का ये मल एक म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली में बंद रहता है, जिसके बाहर निकलते ही पक्षी अपनी चोंच द्वारा लपक कर उसे घोंसले से दूर ले जाकर फेंक देते हैं और इस तरह घोंसला स्वच्छ बना रहता है। पक्षी विज्ञान में इस पूरी प्रोसेस को फेकल सेक रिमूवल कहा जाता है। फेकल यानी चूजों का मल और सेक यानी सैशे अर्थात पाउच, यानी एक तरह से कुदरत के द्वारा बनाया गया डिस्पोजेबल डायपर। इस डायपर में दिखाई दे रहे बड़े सफेद हिस्से में मूत्र होता है जो कि कंसंट्रेट यूरिक एसिड की वजह से जम जाता है। वह भूरे मटमैले रंग के छोटे हिस्से में मल होता है। घोंसले से निकलने के बाद चूजों के शरीर में ये पाउच बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और वे सामान्य रूप से मल त्याग करने लगते हैं। कई बार पेरेंट बर्ड्स बिना भोजन लिए घोंसले में आकर चूजों को पॉटी करने के लिए संकेत करते हैं। वे बच्चों की पॉटी का इंतजार करते हैं और इस मल को पक्षी खा भी जाते हैं। ऐसा तब होता है जब चूजे भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनके मल में भोजन का अंश बाकी रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स चूजों को पॉटी करने का संकेत देते हैं, लेकिन चूजे अपने व्यवहार द्वारा उन्हें समझा देते हैं कि उन्हें अभी पॉटी नहीं करनी है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हाइजीन मेंटेन करने के मामले में पक्षी भी किसी से कम नहीं है। लेकिन गौर करने वाली एक बात है, पक्षी ये सब कुछ सिर्फ एक चोंच और दो पैरों के सहारे करते हैं।